मैंने आपसे कहा था कि यूफ्लेक्स कॉस्मो फिल्म्स खरीदिए, आपने खरीदा भी ये स्टॉक, और देखिए ये जो सेक्टर है पैकेजिंग सेक्टर, इसको सेक्टर ऑफ द डे का हमने दर्जा दिया है, और आज 10 के 10 स्टॉक्स हमने इसी सेक्टर से चुने हैं। और इसके कारण है एफएमसीजी कंपनियां, फार्मा कंपनियों से कहा गया है कि वो काम जारी रखें, लॉकडाउन के समय में भी, लॉकडाउन बढ़ेगा तब भी ये कंपनियां काम करती रहेंगी, और पैकेजिंग के बगैर देखिए सामान बिकता नहीं है। कच्चा तेल जो 18 साल 20 साल के लोस पर है, $20 के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है, ये पैकेजिंग कंपनियों के मार्जिन्स को तो बूस्ट करेगा ही। और जिस तरह से प्लास्टिक के सैनिटाइजर्स के बोतलों में हम सैनिटाइजर्स खरीद रहे हैं, क्लीनिंग एजेंट खरीद रहे हैं, मास्क खरीद रहे हैं, घर में चावल चाय का सामान आ रहा है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, देखिए ये बिना फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के हो नहीं सकता। देश की नंबर वन कंपनी है यूफ्लेक्स इस सेक्टर में, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है। कॉस्मो फिल्म पे बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जिंदल पॉली, एसएल पॉलीप्रैक, ये सब पैकेजिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हार्वेस्ट सीजन भी देखिए चल रहा है, और इसीलिए जूट वाली कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर, और जूट क्योंकि इतनी मात्रा में गनी बैग्स बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 15-20% वर्कफोर्स पर ही वेस्ट बंगाल में काम काज हो रहा है, तो इसलिए प्लास्टिक की बोरियों में भी देखिए अब अनाज को स्टोर किया जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन कानपुर प्लास्टिक पैक्स लगा सकता है। लुडलो जूट, शेवॉयट और ग्लॉस्टर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। टिन के साथ पैकेजिंग वाली कंपनियां, हिंदुस्तान टिन को भी हमने टीम में शामिल किया है, क्योंकि 5-5% का लगातार अपर सर्किट लगा रहा है टिन प्लेट, इसलिए उसको टीम में जगह नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे, और ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। होप ये होगी कि इन तिमाही नतीजों में इन कंपनियों का प्रदर्शन भी बढ़िया रहे, क्योंकि एफएमसीजी और एसेंशियल कमोडिटीज की बिक्री बढ़ रही है। मेरी टीम में नजर डालिए, और यहाँ पे शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि मोलटेक पैकेजिंग कंपनी जो हमने कल का खिलाड़ी में शामिल की थी, आज फिर से शामिल कर रहे हैं, और जो देश की तमाम बड़ी कंपनियां आप नाम सुनते हैं एफएमसीजी के, वो एचयूएल हो, नेस्ले हो, कैडबरी हो, आईटीसी हो, सब इसकी क्लाइंट हैं, और ये उनको प्लास्टिक पैकेजिंग के जो बॉक्सेस होते हैं वो सप्लाई करते हैं, और इसीलिए इसको टीम में शामिल भी किया था कि अगर वहाँ पे इस तरीके से लाइफ हाइज स्टॉक बना रहे हैं तो इसको भी फायदा होगा, क्योंकि ये उनके प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग का काम करते हैं, जो मोलटेक शामिल किया था। इसके साथ ही एक्सिस बैंक है, यहाँ पे मेरी सेल कॉल है, क्योंकि आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है, ऑपरेशनली नंबर थोड़े बेहतर दिख सकते हैं, लेकिन आगे का भविष्य थोड़ा सा संशय में है, इसलिए एक्सिस बैंक में सेल कॉल है। बायोकॉन के एक बायोसिमिलर को कनाडा में लॉन्च किया गया है, ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। सीमैक पे ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग कंपनी है, और जैसे जैसे अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ओपन हो रहे हैं तो इसको बड़ा फायदा इससे होता हुआ दिखेगा। ग्रीव्स कॉटन नज़र रखिएगा, देखिए आज एग्री फर्टिलाइजर ये सब थीम हमने रखी है, और उन कंपनियों को फायदा होगा जो तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे इक्विपमेंट के तौर पे, चाहे फर्टिलाइजर के तौर पे, चाहे केमिकल के तौर पे, चाहे सीड के तौर पे, तो उन सारी कंपनियों को शामिल किया, इसलिए ग्रीव्स कॉटन में खरीदारी बनेगी। RCF को शामिल किया है, मिनिस्ट्री का ही डेटा है कि पिछले 22 दिनों में ज़बरदस्त खरीदारी फर्टिलाइजर की देखी गई, और कंपनियां 100% कैपेसिटी में चलाने की तैयारी है, तो RCF, FACT, NFL, चंबल फर्टिलाइजर से स्टॉक्स में भी ध्यान रखिएगा। आज